हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? दोस्तों स्वागत है आपका एक नई ब्रांड ड्रेसिंग वीडियो के अंदर। दोस्तों आपने आज की वीडियो का टॉपिक तो देख लिया, ठीक है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बजवुल, ग्लेशियन और टायरेंट एट पोकेमोन बेसिकली के बारे में, ठीक है, कि क्या इन तीनों पोकेमोन में से हमारे को कोई से पोकेमोन फ्री में देखने को मिलेगा यूनाइट के अंदर, क्योंकि आपको पता है ये तीनों पोकेमोन इज न्यू अपकमिंग पोकेमोन इन पोकेमोन यूनाइट। तो क्या इन तीनों पोकेमोन में से कोई हमारे को एक या दो पोकेमोन फ्री में देखने को मिलेंगे, क्या हम उनका यूनाइट लाइसेंस फ्री में क्लेम कर सकते हैं, तो वही बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज रह सकती हैं, ये सारी बेसिकली एक्सपेक्टेशन हैं, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो पर नए हो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को डेफिनेट लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि इस तरह से बेसिकली कमाल का जो कंटेंट जो है पोकेमोन यूनाइट से रिलेटेड मेरे चैनल पर रोजाना अपलोड होता रहता है। प्लस सिंपल से यहाँ पर जाकर मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा कोई टाइम अपन मिस करेंगे नहीं, सिंपल से वीडियो के हमारे मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों अपन सबसे पहले बात करते हैं ग्लेशियन पोकेमोन की, ठीक है। जैसा कि पता है ग्लेशियन पोकेमोन हमारे को जुलाई के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंगली, पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, मेरे को लगता है कि ग्लेशियन पोकेमोन यहाँ पे हमारे को फ्री में देखने को मिलेगा, ठीक है। मेरे मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली कह रहा हूँ, ठीक है। अब आप में से बहुत लोगों के मन में होगा कि काश हमारे को ग्लेशियन पोकेमोन या फिर बजवुल पोकेमोन या फिर टायरेंटार बेसिकली पोकेमोन हमारे को फ्री में देखने को मिले, ठीक है। इसलिए मैं इसके लिए वीडियो भी बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है ग्लेशियन पोकेमोन हमारे को अप्रॉक्सीमेट 16 अगस्त, सॉरी यहाँ पर जो जुलाई के अप्रॉक्सीमेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारे को जो ग्लेशियन पोकेमोन फ्री में देखने को मिल सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंगली हमें ग्लेशियन पोकेमोन में भी फ्री में ना हो, प्राइस में भी 10,000 के अप्रॉक्सीमेट इसका रह सकता है, ठीक है। बट अगर बात करें जो अगस्त मंथ की, ठीक है, तो आपको पता है अगस्त मंथ में दो पोकेमोन रिलीज होने वाले, एक बजवुल और एक दूसरा यहाँ पे जो टायरेनिटार, ठीक है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन हम लगा सकते हैं जो टायरेनिटार है वो हमारे को फ्री में देखने को मिल सकता है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली बजवुल पोकेमोन इज नॉट अ फ्री पोकेमोन, मतलब बजवुल पोकेमोन फ्री नहीं होगा, क्योंकि बजवुल एक बहुत ज़्यादा यू नो और मतलब क्लासिक पोकेमोन है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डेडली पोकेमोन है। और हमारे को पता है कि जो सेकंड पोकेमोन होता है एक मंथ के अंदर, जैसे कि पता है दो पोकेमोन आते हैं, तो जो सेकंड पोकेमोन होता है वो उसके चांसेस रहते हैं कि वो हमारे को फ्री में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगस्त बेसिकली मंथ के अंदर दो पोकेमोन रिलीज होने वाले हैं, जो कि सबसे पहले होने वाला बजवुल, जो कि मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो फ्री नहीं होने वाला। बट बात करें सेकंड पोकेमोन की, जो कि टायरेनिटार पोकेमोन, ठीक है, तो वो में भी चांसेस होते हैं कि वो हमारे को फ्री में देखने को मिले यूनाइट के अंदर, और यहाँ पर जो है, ठीक है, मतलब रह सकते थे, कोई पॉसिबिलिटीज है अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है, ये सारी एक्सपेक्टेशंस है। और बेसिकली यहाँ पर जो अगर एक मंथ के अंदर दो पोकेमोन रिलीज होते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि मोस्टली जो सेकंड पोकेमोन है वो फ्री में देखने को मिलता है, ठीक है, 90% का केस है, ठीक है। तो बजवुल इज द फर्स्ट पोकेमोन जो हमारे को अगस्त के मंथ के अंदर देखने को मिलेगा, और जो सेकंड बेसिकली पोकेमोन देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा टायरेनिटार, ठीक है। तो मे बी चांसेस है कि टायरेनिटार बेसिकली हमारे को एज अ इवेंट के अंदर देखने को मिले, या फिर कोई मतलब कुछ टास्क आ जाए जिसको कंप्लीट करने के हमारे को उसका यूनाइट लाइसेंस मिल जाए, क्योंकि वो सेकंड पोकेमोन रहेगा मंथ का, ठीक है। बाकी ऐसे कोई कंफर्म रूमर्स नहीं है कि तीनों पोकेमोन हमारे को फ्री में देखने को मिलेंगे या फिर तीनों के पोकेमोन के प्राइस रिवील हो गए, ऐसा तो नहीं है। बट मे बी जो प्राइस वो अप्रॉक्सिमेट 10,000 रहेंगे, उससे तो कम नहीं रहने वाला है, 10,000 से एक्सीड नहीं करेंगे तो टेंशन आप मत लो, ठीक है, 8,000 या 10,000 के अप्रॉक्सिमेट ही रहेगा। और फ्रीनेस की बात करें तो यहाँ पर टायरेंटार बेसिकली एक चांस रह सकता है कि हमारे को फ्री में देखने को मिले, ठीक है। बाकी यू नो गेम के ऊपर डिपेंड है, फिर बाकी बेसिकली कंपनी के ऊपर डिपेंड है, टेंसेंट वगैरह की, फिर जो भी मतलब यू नो पोकेमोन के डेवलपर्स हैं कि वो बेसिकली यू नो कौन सा पोकेमोन को फ्री में डालते हैं। तीनों में से कोई ना एक तो डेफिनेटली फ्री में देखने को मिलेगा, इतना तो मैं श्योर हूं, ठीक है। बट ये नहीं पता कि कौन सा कंफर्म्ड है, मेरे अकॉर्डिंगली टायरेंटार होगा, क्योंकि वो सेकंड पोकेमोन रहने वाला है बेसिकली एक मंथ के अंदर, और मोस्टली देखा गया कि एक मंथ के अंदर अगर दो अंदर बेसिकली पोकेमोन रिलीज होते हैं तो सेकंड पोकेमोन मोस्टली फ्री ही होता है। सो लेट्स सी क्या रहने वाला है। बस आज की वीडियो इतनी थी, मेरे को आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन बतानी थी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को डेफिनेट लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि इस तरह से बेसिकली कमाल का जो कंटेंट जो है पोकेमोन यूनाइट से रिलेटेड मेरे चैनल पर रोजाना अपलोड होता रहता है। प्लस सिंपल से यहाँ पर जाके मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो वीडियो को एंड करते, ठीक है। सो मिलते हैं दोस्तों ऐसे कॉन्टेस्ट वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे सैनिटाइज, घर में रहो, चिल करो, कोई ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं, सिंपल से हमारे वीडियो देखो, ठीक है। सो मिलते हैं दोस्तों ऐसे कॉन्टेस्ट वीडियो में अगली बार आपसे। जो बच्चे ने क्वेश्चन मेरे को भेजा कि सर पूछा गया था x²/yz, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।